उन्नीस जून की श्रोता नाम से का स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि शरीर की व्याधियों से के चिंतन से मुक्त ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियां जो शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीज आती हैं, बीमारियां आती हैं, उसके चिंतन से मुक्त ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, मतलब कि बीमारी आना। एक है व्याधि में हिल जाना, बीमारी आई। कई जन्मों के हिसाब इस अंतिम जन्म में पूरा कर रहे हैं, या तो हम योग से करें, मेडिटेशन से करें, या तो फिर हम भोग से करें, मतलब कि बीमारी आएंगी और हम करें। दो चॉइसेस हमारे पास में। परमात्मा कहते हैं जितना योग होगा उतना हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और साइंस भी आज ये प्रूव कर रही है कि अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने डीएनए को अनलॉक नहीं करते हैं, मतलब वो ऐसा डीएनए जहां पर कि बीमारियां लॉक हुई होती हैं वो अनलॉक नहीं होती हैं, वो बच जाते हो आप उनसे। तो डीएनए आपके खुलते नहीं हैं एंड आप वो डिफरेंट बीमारियों को एक्टिवेट नहीं करते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ये प्रूवन है। तो परमात्मा भी जो कहते आए हैं ब्रह्म कुमारीज में पिछले 85, 86, 87 ईयर्स से, वो यही कह रहे हैं कि बच्चे योग करो और अपनी बीमारियों से बचो। तो एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। बंधन युक्त की निशानी है, मुक्त नहीं, युक्त। तो व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना, जो हम हंसते खेलते कूदते मजे करते थे, रूहानियत में रहते थे, वो अगर हिल जाए, अगर हम उदासी में आ जाएं, सैड हो जाएं, तो परमात्मा कहते हैं वो भी एक बंधन है। क्योंकि आत्मा का बंधन शरीर से हो गया, शरीर पर इतना ज़्यादा निर्भर है, शरीर से बहुत ज़्यादा मोह है, शरीर से बहुत ज़्यादा लगाव है, अपने आप को शरीर समझने की आदत है, शरीर कुछ हुआ और अगर हिल गए, फीलिंग्स में आ गए, तो परमात्मा कहते हैं बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, शरीर की व्याधि के चिंतन से है लेकिन चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन, स्व मतलब आत्मा का चिंतन, मतलब शरीर का चिंतन नहीं, आत्मा का चिंतन, स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक हैं। क्योंकि अगर हम आत्मचिंतन करते हैं, मतलब स्वचिंतन करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो हम व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे जिससे हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या, घृणा या इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तब जाके शुभ चिंतक बनते हैं हम। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है, ये प्रकृति है, शरीर रूपी प्रकृति, इसका चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बीमारी हो तो आप उसके बारे में ज़्यादा ना कुछ सोचो और ना ही औरों को बताओ, तो चिंतन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, चिंता नहीं होगी। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। सोचिए, व्याधि है, बीमारी है, लेकिन इस बंधन से मुक्त होना, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, स्वचिंतन में रहना, शुभ चिंतन करना, ज्ञान चिंतन करना, आत्मिक चिंतन करना, तो उसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। ओम शांति।